Subscribe and turn your notifications on. Assalamualaikum, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रीडिंग फार्मूला के हवाले से। ये एवियन कैप्सूल है, इसको मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बट इसका यूज़ करने का तरीका है, पहले आप सबसे पहले आपको बाजरे को थोड़ा सा गर्म करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने बाजरा कैसे गर्म करा है। इसको हल्की आंच पे गर्म करना है और अब मैं आपको दिखा दूँगा कि बाजरा कैसे गर्म करना है। तो ये बट सबसे पहले आप बाजरे को थोड़ा सा गर्म कर ले, ताकि जो एवियन कैप्सूल है वो पूरे जो बाजरे में पूरे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं मैंने इसको हल्की आँच पर गर्म कर लिया है। बाजरा काफ़ी गर्म हो चुका है अब तक, देख सकते हैं। अब इसके अंदर कैप्सूल मिलाएंगे। बस आप देख सकते हैं ये बाजरा गरम हो चुका है, आपने वीडियो देखी है। अब ये थोड़ा गरम है, तेज़ गरम हो गया थोड़ा। तो इसके अंदर ये है कि कैप्सूल ये काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये एवियन कैप्सूल है, तकरीबन 6-7 रुपए का एक मिलता है। ये देख सकते हैं मैंने 3 कैप्सूल लिए, इसको 3 दिन तक मुझे यूज़ करवाना है। ये काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला है। अगर जो पेयर जो मतलब मेल और फीमेल है लेकिन पेयर नहीं बना रहे और ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होता है। जैसे कि आपने काफ़ी टाइम से तोते रखे हुए हैं और वो है कि ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये कैप्सूल है आप ही के लिए है। आप ये कैप्सूल ले रहे हैं और इसको 3 दिन तक आपको सिर्फ देना है। और असल में सर्दियाँ भी आ गई, आप इसको सिर्फ सर्दियों में देना चाहिए। अगर आप इसको गर्मियों में देंगे तो तोतों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है कैप्सूल। इनको आपको सर्दियों में ही देना है, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये एवियन कैप्सूल कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐसा है। ये मेडिकल से मिलता है गाइस, ये मार्केट वगैरह से भी मिल जाता है, लेकिन ये आपको मेडिकल से बिल्कुल अच्छा मिलेगा और ओरिजिनल मिलेगा। आपको मैं इसका पत्ता दिखा देता हूँ। मार्केट में जो मिलते हैं लालू के मार्केट में वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो खुले मिलते हैं और खुले लोकल वगैरह होते हैं। बाकी ये मेडिकल से आपको मिल जाएगा, ये ओरिजिनल है। इसके अंदर तेल होता है मछली का, तो ये काफ़ी गर्म होता है। इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं, जो भी विटामिन्स वगैरह कमी होगी तोतों के अंदर वो पूरा कर देगा ये कैप्सूल। इसको तकरीबन आपको आधा किलो बाजरा लेना है, जो तोते मतलब खाते हैं आपके जो दाना जो खाते हैं उसी के अंदर आपको मिक्स करना है। आधा किलो तकरीबन हो, आधा किलो से कम हो ज़्यादा चलेगा। इसको अब मैं तोड़ के इसके अंदर डालूंगा, मतलब इसको तोड़ना नहीं है, इसमें सुराख करना है, फिर इसके अंदर से घी जो है निकल जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस मैंने इसके अंदर सुराख कर दिया है। अब इसको ये के डालना है इसके अंदर। इसको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी, बहुत काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और देख सकते हैं थोड़े बाजरे जो आपको गीले गीले महसूस हो रहे होंगे। आपको तो खुशबू नहीं आ रही होगी, देख सकते हैं थोड़े गीले गीले टाइप के आपको जो लग रहे होंगे दाने। पूरा कैप्सूल जो आपको खाली कर दें, थोड़ी कैप्सूल बाद आपके काम कर रही है। मैं इसमें ऐसे डाल रहा हूँ ताकि जिसको ऑयल वगैरह सारा इसके अंदर लग जाए। बस ये कैप्सूल बस काम कर रही है, इसको फेंक दें। बाकी ये पूरा आप देख सकते हैं बाजरा के अंदर मिक्स हो गया। जो पेयर ब्रीडिंग नहीं कर रहा या पेयर नहीं बना रहा है, ये इसके लिए। तो अब इनको देने की बारी है। ये देख सकते हैं पूरे हर जगह मिक्स हो चुका है ये। बाजरा गर्म करने से ये होगा कि जब आपका कैप्सूल हर जगह मिक्स हो जाएगा। अब ऐसी बाजरे में डालेंगे तो ये जो कैप्सूल है पूरा मिक्स नहीं होगा। तो गाइस मैं ये बाजरे हैं इन तोतों को यूज़ करवा रहा हूँ,
क्योंकि लव बटन बाकी मैंने बजरीज को ये पहले यूज़ करवाया हुआ है, ताकि इनको मैं आपकी ब्रीडिंग जो वीडियो है वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह थर्ड ब्रीडिंग, और इसमें से मैं भी लव बर्ड्स को इनको सारा बाजरे डाल दूंगा। तो एक बार देख सकते हैं ये तीन प्याले में मैंने रख दिया है, अब ये इनको देना है। ये पेयर है, तो ये कि अभी बाजरा खाएंगे। तो एक बार ये काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग फार्मूला आपके सामने, मैं अपने तोतों को भी यूज़ करवा रहा हूँ। अगर आपके तोतों ने अगर अंडे अभी तक नहीं दिए, अंडे या बच्चे, तो आप ये फार्मूला यूज़ करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने बजरीज को ये सारा फार्मूला जो है यूज़ करवाया है। बाकी आपके सामने मैं नए लेकर आया था ये तोते, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ब्रीड कर देंगे। बाकी ये कॉलोनी टाइप की मैंने बनाई है, मैं तीन पेयर छोड़े हैं। तो एक बार से आपने वीडियो देखी, आज की वीडियो का टॉपिक यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।